नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। दोस्तों लास्ट हमने एक कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था, खुले गले की गायकी किस प्रकार से करें, तो उसमें कुछ चार रियाज बताए गए थे, उनका तरीका बताया गया था कि किस तरीके से आपको खुले गले की गायकी को अंजाम देना है। मतलब खुले गले की गायकी गाने के लिए जो बेसिक जो चार रियाज है वो उसमें बताए गए थे, जिनसे कि आपकी जो आवाज के अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाएगी। खुले गले से गाना है तो भाई यहाँ से गाएं, छाती से गाएं, पेट से गाना है या कंठ से गाना है, किस तरीके से गाना है, तो जो प्रेशर है वो अपने आप उस वीडियो में बताया गया था कि कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कि ऑटोमेटिकली किस तरीके से वो चीजें एक्टिव हो। तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप खुले गले की गायकी को प्रोड्यूस कर सकते हो और किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो गानों में भी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो खुले गले की गायकी वाला जो वीडियो था उसमें जो बताए गए रियाज हैं वो तो आप एज इट इज करते रहें, उसको छोड़ना नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी वॉइस उससे हमेशा फ्रेश रहेगी, ताजी रहेगी। अगर आप वो रियाज करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों इस टेक्निक को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है कि आप जो बैठे, तो जब भी आप गाने के लिए बैठे तो बिल्कुल सीधे होकर इस तरीके से आपको बैठना है, और जो वॉइस निकालने के लिए आपको लंग्स में एक एयर प्रेशर चाहिए होता है उसको यहाँ पर अच्छे से फिल करना है, अच्छे से भरना है। जब आप उसको छोड़ेंगे हवा को तो उसके साथ ही आवाज को बाहर निकालना है। जब आप गाएंगे तो गले को कोशिश करें कि ऐसे ना रहकर थोड़ा सा ऐसे रहे ताकि आवाज का प्रेशर बिल्कुल ऊपर से निकलते हुए जाए आराम से। अलंकारों का रियाज भी करें तो वो भी 90 डिग्री पे नहीं करना, 120 या 130 का एंगल बनाना है गर्दन का और फिर उसे रियाज करना है, गाना है, तो आपको वो खुली हुई प्रतीत होगी सुनने वाले को भी और आपको भी। तो मान लीजिए एक अलंकार की सहायता से हम इसे समझते हैं। अब ये जो आवाज निकल रही है ये निकल रही है यहां से, जब आप इस आवाज को निकालते हो तो आवाज के अंदर एक हार्शनेस समझ में आती है, ठीक है। और इस आवाज को करने से क्या है, आपका जो स्केल है वो भी कभी ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ज्यादा ऊपर अगर आप स्केल को लेके जाओगे तो आवाज क्रैक हो जाएगी, क्योंकि इस आवाज को आप यहाँ गले से निकाल रहे हो और गले को पूरा दबाते हुए आप आवाज को निकाल रहे हो, तो जब स्केल ऊपर जाएगा तो आवाज बहुत पतली होती जाएगी। अगर यही खुले गले से आप गाएंगे तो तब ये आवाज पतली भी नहीं होगी और आवाज में बिल्कुल थ्रो भी बड़ा जबरदस्त रहेगा और रेंज भी आपकी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया एक अलंकार, अब ये जो अलंकार था ये हमने यहां से गाया, अब इसको यहां से गाते हैं। देखिए देखिए पहले हवा भरी यहां पे, ऐसे करने से जब आप ऐसे गाते हैं ना तो एयर जो होती है, एयर ही हमारी जो है वॉइस प्रोड्यूस कर रही है, अब एयर जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है, तो हो सकता है आपको सांस बार बार लेना पड़े या बार बार हवा भरनी पड़े, तो जितनी हवा होगी उतनी ही आप जो है वॉइस निकाल पाओगे। इसके अलावा जब आप गले से गाते हो तो उसके अंदर इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती है एयर की बहुत ज्यादा, हालांकि जरूरत तो उसमें भी होती है बट उसमें इतनी नहीं होती है। अब आपको अगर डिफरेंस देखना है तो मैं दोनों गायकी एक साथ करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको उससे डिफरेंस ही समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। गले से हम कैसे गाते हैं, अभी जो एयर भर के गाने से, जैसे मैंने बोला कि एयर खत्म हो जाती है, तो सेम ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, एयर का जो प्रेशर है हमें हर बार एयर को लंग्स के अंदर अच्छे से भरना है फिर थ्रो करना है इसको, तो उससे दो तीन फायदे हो रहे हैं। एक तो आपके जो फेफड़े हैं लंग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से लंग्स में हवा भरी छोड़ी, हवा भरी छोड़ी, तो एक तरीके का ये व्यायाम भी है। इस व्यायाम से जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हार्ट बीट भी ठीक रहेगी और बीपी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर भी राहत मिलेगी इस तरीके के रियाज करने से। और सेकेंडली जो आपकी वॉइस है वो खूबसूरत दिखेगी, और देखो आवाज को जब कोई सिंगर गाता है तो खूबसूरत बनाने के लिए ही गाता है, अगर ये खूबसूरती इस तरीके की तकनीक से निकल के आती है तो और कहना ही क्या। तो एक बार दोबारा से हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं,
अभी जो लंग्स में हवा भरी, तो इसमें जो आपको रियाज करना है, रियाज भी इसी तरीके से ही कोशिश करना है। ध्यान रखें, हारमोनियम पे आप रियाज कर रहे हो तो हारमोनियम की तरफ मुंह करके नहीं, ऊपर मुंह कर रियाज करेंगे, जिससे कि जो आवाज का फ्लो है वो बाहर इसी तरीके से ही निकले, ठीक है। और आपकी खुले गले की गायकी का जो आप पहले रियाज कर रहे हो उसे नहीं छोड़ना है, उसको एज इट इज करते रहना है। तभी इस रियाज को करने से आपको और ज्यादा डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे भी बोले सा, एक बोला ऐसे, एक बोलते हैं हम थोड़ा सा दब के, सा रे गा मा पा दा नी सा, इस तरीके से नहीं, ये करने से यहां से प्रेशर लग रहा है सर। आपको ये प्रेशर नहीं लगाना है, आपको चेस्ट वाला हवा को भरते हुए करना है। कैसे? सा, मैंने बताया मुंह को, गर्दन को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखिए, बॉडी को पोस्चर को ऐसे रखिए, और जो गर्दन का जो एंगल बनना है वो अराउंड 130 या 120 का एंगल बनाइए। ओके, कैसे देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। अभी आगे साउंड से करके देखिए, जब आप ऐसे गाएंगे तो आपको फील होगा कि यहां पर भी एक वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। वो तभी होगी जब आप यहां से हवा भरते हुए इसको थ्रो करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी टेक्निक थी ताकि आप समझ सके कि खुले गले की गायकी एक्चुअल में क्या होती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा टॉपिक, और यदि फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। और जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 30 दिन का टाइम लेके चलिएगा, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनिएगा, मतलब पहली तारीख को भी वॉइस रिकॉर्ड करके देखिएगा कि कैसी आवाज है, और 30 दिन तक इस तरीके से सारे गामा पा का रियाज करिए। जब आप लास्ट में 30 दिन बाद अपनी आवाज को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ आई होगी, और यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा मुझसे। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। नमस्कार।